आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। ईशान नदी के बाढ़ के पानी से परेशान ग्रामीणों ने हसाइन क्षेत्र के भैंकुरी चौराहा पर लगाया जाम। प्रदर्शन कर रहे लोगों की मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों से हुई तड़का भड़की। प्रशासन ने बमुश्किल खुलवाया जाम। हसाइन पुलिस ने फर्जी पुलिसकर्मी को किया गिरफ्तार। कब्जे से 3 मोबाइल फोन, उत्तर प्रदेश पुलिस छपा हुआ पर्स व 1 बुलेट मोटरसाइकिल बरामद। हसाइन के गांव जिरौली खुर्द में आम के बाग में स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल के नाम से खुलेआम बिन मान्यता के धड़ल्ले से चल रहा अवैध विद्यालय, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर उन्हें बनाया जा रहा ठगी का शिकार, अनजान बने हुए शिक्षा अधिकारी। सिकंदराराव नगर पालिका द्वारा नालों की सफाई के दौरान हरे भरे पेड़ पौधों को उखाड़ने को लेकर नागरिकों में भारी रोष। नगर पालिका द्वारा पूर्व में बनवाए गए फुटपाथ को तोड़कर भी की जा रही सरकारी धन की बर्बादी। भारी वर्षा एवं ईशान नदी के पानी के कारण हुई क्षति का प्रशासन द्वारा किया जा रहा है सर्वे। पीड़ित लोगों को हर संभव मदद के लिए संबंधित विभाग की गठित की जा रही हैं टीमें। सिकंदराराव के महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में समर्थ कार्यशाला का किया गया आयोजन। बड़ी संख्या में वांछित गत वर्षों के छात्र छात्राओं ने समर्थ पर पंजीयन का प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु किया प्रतिभाग। हाथरस में सदर कोतवाली क्षेत्र के जामा मस्जिद चौराहा पर मेला देखने आए दो नवयुवकों के गुटों में बीच चौराहे पर चले लात घुसे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। हाथरस के मथुरा अड्डा स्थित एक हार्डवेयर की दुकान की छत काटकर गल्ले में रखे 3 लाख रुपए बेखौफ चोरों ने किए पार। हाथरस में साकेत कॉलोनी स्थित राधा कृष्ण मंदिर में बंदर की घुड़की से डरकर सीढ़ियों से गिरे वाराणसी के संत की हुई दर्दनाक मौत। काशी ले जाया गया शव। वाराणसी से हाथरस अक्सर मंदिर पर घूमने आते थे स्वामी अरुण आश्रम जी महाराज। हाथरस में वार्ड संख्या 12 अंतर्गत आने वाले वसुंधरा एन्क्लेव में पालिका अध्यक्ष श्वेता चौधरी ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत घर घर जाकर होम कंपोस्टर वितरित कर दिलाई स्वच्छता की शपथ। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान के तहत भाजपा जिलाध्यक्ष शरद माहेश्वरी ने भाजपा पदाधिकारियों के साथ नगर में भ्रमण कर व्यापारियों, शिक्षकों, चिकित्सकों एवं आमजनों को दिलाई सैकड़ों की संख्या में भाजपा की सदस्यता। सरकार द्वारा चलाई जा रही जल कल्याणकारी योजनाओं से कराया अवगत। हाथरस में मेला श्री दाऊजी महाराज के विशाल पंडाल में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में कवियों के साथ साथ अतिथियों, प्रमुख समाज सेवियों को अंग वस्त्र फूलमाला के साथ प्रतीक चिन्ह भेंट कर किया गया सम्मानित। शासनी क्षेत्र अंतर्गत सीमैक्स इंटरनेशनल स्कूल में महिला सुरक्षा अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक ने यूनिसेफ की टीम के साथ जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर छात्राओं व स्कूल स्टाफ को किया जागरूक। मिशन शक्ति, एंटी रोमियो, महिला बीट एवं ऑपरेशन जागृति अभियान के मुख्य उद्देश्यों के संबंध में दी विस्तृत जानकारी। शासनी में करीब 2 सप्ताह से अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी। ईओ की गाड़ी के सामने लेटी महिला सफाई कर्मचारी। हड़ताल के चलते शहर में हुआ गंदगी का साम्राज्य। विकासखंड शासनी में बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक में बच्चों एवं महिलाओं से संबंधित योजनाओं की दी गई जानकारी।